मेरे प्यारे देशवासियों, ये कोई मोदी का वक्त शो तो नहीं चल रहा है। आज हम आए हैं यहाँ पे, हाँ नहीं बताऊँ, KFC। क्यों KFC? या बहुत आलस आ रहा था तो सोचा कि मतलब KFC चले जाए, बहुत फटाफट मिल जाए अपने को वो चीज़ खाने, कुछ नया कुछ ट्राई करने वाले का कोई मूड नहीं है। तो सोचा कि मतलब KFC ले लेते आज। क्या लिया? 21 पीस वाला लिया है, जंबो वाला, एकदम बड़ा। आज तो ग्रैंड होगा। साथ में आता है फ्रेंच फ्राइज, कोल्सलो आता है, बन आते हैं, सॉस आता है, और क्या आता है, ड्रिंक्स आता है। जंबो 21 पीसेस, जन्नत हो गया मेरा। सो जाओ थोड़ी देर, खाते हैं एक करके खाए। किसी को KFC का फुल फॉर्म पता है? नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, मुझे भी गूगल करना चाहिए। एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट तो देते ही हैं। फ्रेंच फ्राइज सब बाद में खाएंगे। या तुम लोग का क्या फेवरेट है, लेग पीस, ब्रेस्ट या विंग्स? मैंने उनको बोला था विंग्स मत डालना, लेकिन चाचा के बेटे थोड़ी नहीं डालेंगे। मेरे चाचा के बेटे लोग देखेंगे विद दैट लुक। हम लेंगे एक ब्रेस्ट पीस, एक लेते हैं लेग पीस, और एक लेते हैं विंग्स। पहले क्या ट्राई करें? भाई मेरा फेवरेट तो यार लेग पीस। क्यों? वेरी इजी टू होल्ड और बहुत छोटा है, जल्दी मतलब अंदर जा सकता है। पहले लेग पीस से शुरू करें। शुरू मतलब धुआं निकल रहा है, इतना गर्म है यार। मैं KFC गर्म गर्म ही खाना चाहूँगा, नो डाउट। क्या बात है, जन्नत। मतलब विंग्स है ना, सबको नहीं पसंद, बट किसी किसी को बहुत पसंद है। एट दी एंड चिकन है यार, कुछ भी मिल जाए चिकन में, बस दुनिया है अपनी। यार मैं क्या बताऊं, देखो KFC दो टाइप का है, एक स्पाइसी है और एक नॉर्मल है। हम यार फीके वाले इंसान में से हम स्पाइसी लेते हैं, तो हमने स्पाइसी ऑर्डर किया था। अब आपकी इच्छा, आप कौन सा लोग। अब हम खाएंगे चेस्ट पीस। यार मेरी मम्मी को ना ये जो क्रंचीनेस है ना बाहर का, बहुत पसंद है, तो मैं वो जस्ट खा के देखता हूँ कैसा है। दिस वन इज फॉर यू मम्मी। क्या बताओ यार, ला जाओ। मतलब तुमको तो पता ही है KFC का क्या टेस्ट है, और यहाँ पे ना यहाँ का KFC लोग बोलते हैं कि इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, इट्स लाइक फार बेटर।
बनता है, सही बोलते हैं। मैं ना ये गार्लिक पेस्ट के साथ खाते थे। गार्लिक पेस्ट को बेस्ट पार्ट है। फ्रेंच फ्राइज, ये किसको पसंद है यार? फ्रेंच फ्राइज किसको पसंद है? तो मुझे बहुत पसंद है। ये भी ना गरम गरम ही खाना चाहिए, ठंडा खाओगे कुछ फायदा नहीं है। इसको सॉस के साथ खाओ, सॉस और गार्लिक पेस्ट। कोल्सलो किससे बनता है? कैबेज से, कैरेट है, मायोनीज और मीठा है। अगर तुम KFC खा लो, चिकन पीस खा लो, उसके बाद कोल्सलो तो बनता है, मतलब बहुत ठंडक महसूस कर रहा था। ये गर्मी चल रहा है, अभी गर्मी का सीजन है यार, ये कैसे मिस कर सकता भाई। मैं तो ये पूरा बकेट खाने वाला हूँ, तुम कितना पीस खा सकते हो बताओ, मतलब ज़रा कमेंट वमेंट मारो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करो दोस्तों को, लॉकडाउन चल रहा है, भेजो सबको बिंदास, पता तो चले उनको भी। अगर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन है वो भी दबा दो, क्या नुकसान जा रहा है यार, दबा दो, वीडियो देख ही रहे हो, जस्ट एक क्लिक ही है, कर दो बस बिंदास।